It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way. Hi guys, welcome back to my channel Glam Dazzle. मैं हूँ अर्पिता और आज मैं आपके साथ ये soft glam पर्पल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ आपके साथ. ये मेकअप लुक बेसिकली मैंने कोई रीज़न में नहीं क्रिएट किया, ऐसे ही क्रिएट किया है. सो या चलिए देख लेते हैं कि मैंने कैसे ये लुक को क्रिएट किया है. अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. सबसे पहले मैं इस लुक को क्रिएट करने के लिए पहले आई मेकअप करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ना हैवी है तो फॉल आउट हो सकती है. इसलिए उसके लिए मैंने अच्छा बेस क्रिएट करूँगी और उसके लिए मैं एक मैटिफाइंग प्राइमर सबसे पहले अपनी आई पे अप्लाई कर रही हूँ. फिर मैं यहाँ पे ये कंसीलर स्टिक अप्लाई कर रही हूँ अपने आई लिड पे. एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं उस कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ब्लेंडर से ही करना पसंद है. देन मैं अपनी बेस को सेट करने के लिए यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ. इनसाइड का कॉम्पैक्ट है ये, बहुत अच्छा है ना, मैट है. ब्राउन कलर मैं अपने क्रीज पे अप्लाई करने के लिए ले रही हूँ. बहुत धीरे धीरे हल्के हाथों से आपको ब्लेंड करनी है. वीडियो का ड्यूरेशन ना बढ़ जाए इसलिए मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड किया. आप धीरे धीरे ही ब्लेंड करना उसको. देन मैं अगेन ये कलरफुल पैलेट, आई जस्ट लव दिस पैलेट. बहुत पिगमेंटेड है, नॉन ब्रांडेड है, बट स्टिल बहुत अच्छा लगता है मुझे. मैं यहाँ से दो पर्पल शेड लूँगी और अप्लाई करूँगी. जो डार्क पर्पल शेड था उसको मैंने अपनी क्रीज पे अप्लाई की है थोड़ा सा डार्क कलर क्रिएट करने के लिए, और उसको बहुत धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, थोड़ी देर बाद आपको फर्स्ट फॉरवर्ड में दिखेगी, बट पहले मैंने थोड़ा सा धीरे रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपको ब्लेंड करनी है. तो इस तरीके से आपको ब्लेंड करनी है. मैंने दो शेड को मिक्स नहीं किया है, मैंने पहले डार्क पर्पल शेड लिया है अपनी क्रीज पे अप्लाई करने के लिए. लाइट शेड ले रही हूँ. डार्क शेड को बहुत अच्छे से ब्लेंड करनी है. ब्लेंड करने के बाद आपको लाइट शेड लेनी है और उसको अपनी आईलिड पे अप्लाई करनी है. मैं एक फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और उससे अपने आईलिड पे उसको धीरे धीरे अप्लाई कर रही हूँ. थोड़ा सा फॉल आउट होगा बट आपको धीरे अप्लाई करनी है. नेक्स्ट मैं अगेन वो ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ लाइट पर्पल शेड और डार्क पर्पल दोनों को एक साथ, ताकि हार्श ना लगे और यू नो स्टार्ट और एंड नहीं दिखे. फ्लफी पाउडर ब्रश की मदद से मैं जो भी फॉल आउट हुई है उसको धीरे धीरे क्लियर कर दूंगी. कंटूर एंड हाइलाइटर पैलेट से मैं ये डार्क कंटूर शेड ले रही हूँ और उसको एज अ कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ. मुझे जो भी डार्क सर्कल्स पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसको हाइड करने के लिए मैं उस जगह पर उसको अप्लाई कर रही हूँ. अगेन वो वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं वो कलर करेक्टर को धीरे धीरे ब्लेंड कर दूंगी. आपको डैप डैप करके ब्लेंड करनी है, रब नहीं करनी है कोई भी चीज़. मैं यहाँ पे मेबलिन फिट मी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड 120. मेरी शेड से लाइट है, बहुत पहले ख़रीदा था, यू नो मुझे समझ में नहीं आ रहा था शेड कैसा है तो इसलिए लाइट है. बट ये बाद में सेट हो जाती है पूरा मेकअप करने के बाद, वो हार्श नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं लगती है. इस टाइम पे थोड़ा सा लाइट लगता है बट बाद में सेट हो जाती है. मेबलिन फिट मी एकदम फिट हो जाती है. तो मैं अभी इसको अच्छे से वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से सेट कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ, जो भी बोलो आप ब्लेंड कर रही हूँ. आपको नेक पे भी अप्लाई करनी है. मेरी फेस बहुत ज़्यादा वाइट लग रही है बट आप देखना बाद में ये एकदम सेट हो जाएगा मेरी स्किन टोन से. इसमें यहाँ पे कंसीलर स्टिक की मदद से कंसील कर रही हूँ अपने अंडर आई एरियाज को, फोरहेड, नोज, जहाँ पे भी मैं कंसीलर करती हूँ. मैं एक वाइट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अपनी कंसीलर को धीरे धीरे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, ताकि हार्श ना लगे और डैप डैप मोशन पे, जो कि आप जानते हो रब नहीं करना है आपको, डैप डैप मोशन पे ही ब्लेंड करनी है. मैं अगेन इनसाइड का कॉम्पैक्ट की मदद से अपनी बेस को सेट कर लूँगी धीरे धीरे एक फ्लफी पाउडर ब्रश की मदद से. मैं अगेन वो डार्क पर्पल शेड को ले रही हूँ और अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा स्मच कर रही हूँ. अभी आपको थोड़ा सा यू नो फैन की आवाज़ आ सकती है, क्योंकि मैं बेसिकली वॉइस ओवर वीडियो फ़ैन ऑफ करके ही करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही है गाइस. कलकत्ता में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फ़ैन को ऑन किया है. सो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा
सह लेना, ठीक है ना। ओके, नाउ मैं अभी एवॉन का सिंपल प्रिटी लिक्विड लाइनर अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईज़ पे, और एक हल्का सा विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। बट ये थिन नहीं होगा, ये थोड़ा सा मोटा होने वाला है बहुत धीरे धीरे। मुझे लिक्विड लाइनर लगाने में बहुत डर लगता है, वो भी पूरा मेकअप करने के बाद। मैं बहुत धीरे धीरे विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। आप थिन भी कर सकते हो, इस लुक में थिन भी अच्छा लगेगा, बट मुझे लगा कि यू नो थोड़ा सा मोटा ही ठीक है। मैं कंटूर एंड हाइलाइटर पैलेट से ये हाइलाइटर शेड ले रही हूँ और अपनी इनर कॉर्नर को हाइलाइट कर रही हूँ। रोज़ गोल्ड होगा तो भी चलेगा, बट इस लुक में मुझे ये सिल्वर, देख सकते हो सिल्वर वाली हाइलाइटर मेरे इनर कॉर्नर में अच्छी लग रही है। रोज़ गोल्ड भी अच्छी लगती बट मुझे सिल्वर लगानी थी। ओके, नाउ मैं रेवलॉन का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा अच्छा है, वाटरप्रूफ है, बट थोड़ा देर में स्टेबल होता है, इसलिए बहुत धीरे धीरे करना है। मैंने ऑफ कैमरा में आईलैशेस वेयर कर ली है, आप देख सकते हो। आईलैशेस लगाने के बाद आई मेकअप और ज़्यादा ब्राइट हो गई। नाउ मैं कंटूर शेड ले रही हूँ और अपनी कंटूरिंग कर रही हूँ चिक पे, जो नोज़ एंड लिप्स के बीच में किया जाता है, आप जानते हो। वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, वो भी ऊपर की तरफ अपनी हेयर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ मैं कंटूर को। देन मैं ये ग्लैम 21 का आई शेडो ले रही हूँ। ये आई शेडो है बट एक ब्लश की तरह बहुत अच्छा काम करता है, बहुत पिगमेंटेड है, इसलिए मैं आप देख सकते हो मैं थोड़े थोड़े ले रही हूँ वो भी। नेक्स्ट मैं अगेन वो हाइलाइटर शेड ले रही हूँ जो मैंने इनर कॉर्नर पे लगाई थी, उससे मैं अपनी हाईलाइट करूँगी अपने चिक्स को। एंड आई जस्ट लव दिस हाईलाइट गाइज, आप देख सकते हो कितना अच्छे से हाईलाइट करती है वो, एकदम ही ना वो हार्श नहीं दिखाती, कोई भी शिमर ग्लिटर इसमें है नहीं, एकदम नेचुरल ग्लो लगती है। आपने शायद ये लुक मेरा इंस्टाग्राम में देखा होगा जो फॉलो करते हो, अगर नहीं फॉलो करते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो करो, वहाँ पे मैंने ये लुक शेयर की है। मैं यहाँ पे मैक का लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, वो भी इन द शेड फेडेड। आई जस्ट लव दिस शेड, बहुत न्यूर एंड पिची सा लुक देता है आपको, बहुत अच्छा ये शेड गाइस। मैंने इसके पहले भी लुक में शायद अप्लाई किया था। मैं फाइनल फिनिश लुक इस तरीके से टर्न आउट हुई है। मैंने अभी तक अपनी आउटफिट नहीं वेयर की है, मैं साड़ी वेयर करने वाली थी, तो नेक्स्ट क्लिप में आपको साड़ी दिख जाएगी। तो हाँ, देख सकते हो मेरे फाउंडेशन जो लाइट शेड में थी वो भी बहुत अच्छे से सेट हो गई है, फिट हो गई है मेरी स्किन टोन के साथ। सो आई जस्ट लव दिस मेकअप, दिस इज़ माई लुक साड़ी वेयर करने के बाद। एक सॉफ्ट ग्लैम ग्लो इज अ पर्पल मेकअप लुक, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड आई जस्ट लव गाइज। मुझे ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड आई मेकअप भी बहुत सुंदर लग रही है। अगर आपको पसंद आई है सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, टेक केयर, बाय बाय।